कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और उसकी निर्मम हत्या, ये पूरा मामला इस वक्त धूल पकड़ चुका है। पूरे देश में डॉक्टर्स के खिलाफ विरोध में शनिवार को पूरे देश में डॉक्टर्स ने ओपीडी का बहिष्कार किया। यहां पर ओपीडी नहीं है, हड़ताल पर डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सीनियर डॉक्टर्स हो। मैं इस वक्त देहरादून के कोरोनेशन हॉस्पिटल में मौजूद हूं, जो यहां का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स हो या जो दूसरा स्टाफ हो, सभी लोग यहां पर हड़ताल पर है। सभी की सिर्फ एक मांग है कि कोलकाता में जो घटना घटी है, ऐसी घटना फिर कहीं दोबारा ना घटे, डॉक्टर्स को सुरक्षा मिले, उनकी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए जाए। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां पर भी सभी तरह के तरह डिस्ट्रिक्ट में जो डॉक्टर्स है वो हड़ताल पर है। डॉक्टर्स से ही जानेंगे और इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरीके से कोलकाता में जो जिस डॉक्टर की हत्या हुई उसको इंसाफ मिलेगा। आप मैम क्या मानती है कि किस तरह की सुरक्षा की आप लोग मांग कर रहे हैं कोलकाता वाली घटना के बाद? हम सब भयभीत हैं, हम सबको अपनी सुरक्षा का खतरा है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे यहाँ का कोई भी कर्मचारी हो। बस हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सिक्योरिटी एक्ट जो है वो बना हुआ है, लेकिन ढंग पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं है। हमारी अगर हम सुरक्षित महसूस करेंगे, हम तभी अपना कार्य पूरी क्षमता से कर पाएंगे। तो सरकार से यही गुहार रहेगी कि हमें सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए कि हम अपनी क्षमता से कार्य कर पाएं। सिक्योरिटी एक्ट क्या है सर, और क्या आपको नहीं मिलती, उसमें क्या चीजें नहीं हो पा रही? देखिए, इसमें बेसिकली ये है कि जो भी अगर किसी डॉक्टर से या किसी ऑन ड्यूटी स्टाफ से अगर कोई भी वारदात या घटना होती है, उसमें एक जैसे उसमें सजा का प्रावधान है, मगर वो पूरी तरह से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो पहली चीज तो जो हमारे मेडिकल परिवार की एक महिला जो थी, हमारी रेजिडेंट डॉक्टर थी कोलकाता में, उनके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उस जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारा मेडिकल परिवार में हमारे फीमेल डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और जो मेडिकल स्टाफ है, उनके लिए एक उनको बेसिकली ऐसा माहौल मिले जिसमें उनको सुरक्षित महसूस हो, ये मेन चीज है जिसकी पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन या सारी चीजें होनी चाहिए। सिक्योरिटी एक डिमांड है, और खासतौर पर यह भी है कि सीसीटीवी बड़ी संख्या में हॉस्पिटल्स में लगाए जाएं ताकि इस तरह की घटनाएं कम से कम न हो। और यह डिमांड न सिर्फ एक जगह बल्कि पूरे देश में पूरे डॉक्टर सभी की यह डिमांड है। मैम दिक्कतें पुरुष डॉक्टर और महिला डॉक्टर, आपको लगता है ये प्रॉब्लम है कहीं पे, या महिलाओं को ज्यादा दिक्कत है या पुरुषों को महिलाओं को सेम? मुझे लगता है दोनों लोग को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी जो पेशेंट के साथ जो के रिलेटिव्स आते हैं, तमीरदार होते हैं, कभी कभी वो इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जो कि हम लोग को सबको फेस करना पड़ता है ये प्रॉब्लम। स्पेशली जो हम लोग लेडी डॉक्टर्स हैं, हम लोग 12 बजे 1 बजे 2 बजे पेशेंट्स देख रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में भी हम लोग कई बार ऐसा फील करते हैं कि इतने एग्रेसिव पेशेंट्स आते हैं कि इनके रिलेटिव्स होते हैं कि जिनको हमें प्रॉब्लम आती है, तो हमें तो सुरक्षा चाहिए। इस घटना के चीजें बदल पाएंगी क्या, वाकई स्थितियां बदलेंगी, और क्या वाकई डॉक्टर्स की जो डिमांड लगातार रही है अलग अलग घटनाओं में, क्या वो बातें अब सामने आ पाएंगी, उसमें कुछ बदलाव? आपको उम्मीद है कि जिस तरीके का आप लोग आज हड़ताल कर रहे हैं और ये पूरा मामला जिस तरीके से आगे बढ़ा है, आपको लगता है कि इसमें आपको जो चेंजेस की आप डिमांड कर रहे हैं वो हो पाएंगे? देखिए, इस पे ऐसा है कि जो हम न्याय के लिए जो सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं, ये न्याय की जो हम लोग जो रैली कर रहे हैं वो एक मिसाल बननी चाहिए। अगर मिसाल बनेगी तो उसको जो है इम्प्लीमेंट बहुत जल्द हो जाएगा वो, और जो जिस सुरक्षा की जो हम बात कर रहे हैं वो जल्द से जल्द उसको सरकार को अमल में लाना चाहिए। खासतौर से डॉक्टर्स को सॉफ्ट टारगेट माना जाता है, और सरकारी अस्पतालों में सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें हर वर्ग का पेशेंट आता है, उनके तीमारदार भी आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है हाथ से सरकारी अस्पतालों में भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसमें हम सुरक्षा की मांग करते हैं, पुरजोर तरीके से मांग करते हैं, ताकि ये सब चीजें आगे दोबारा से रिपीट ना हो। रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं और जो बिल्कुल अभी नए नए डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स की हमने बात सुनी, लेकिन और जो अभी शुरुआत कर रहे हैं इस करियर में, आप लोगों को कोलकाता वाली घटना के बाद आप लोगों को भी टेंशन है, एक प्रॉब्लम आपको लगती है, बड़ी प्रॉब्लम है? हाँ जी, प्रॉब्लम तो लगती है, मतलब कोई सिक्योरिटी मुझे नहीं लगती है कि हॉस्पिटल अच्छे से दे पाता है गर्ल्स को। एक मतलब अगर हमारी नाइट शिफ्ट होती है तो हमें लगता है कि एक रूम मिलना चाहिए, और गर्ल्स की आई थिंक रात को गर्ल्स की ड्यूटी अगर एएनसी वगैरह होता है तो गर्ल्स की लगनी चाहिए, बॉयज की नहीं लगनी चाहिए। इमरजेंसी में बॉयज की लगनी चाहिए, गर्ल्स की नहीं, क्योंकि इमरजेंसी केसेस में अल्कोहलिक पेशेंट आते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर डिलीवरी डिपार्टमेंट में ड्यूटी लग रही है तो एक रूम गर्ल्स को भी प्रोवाइड होना चाहिए ताकि वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सके। मेरा मानना भी सेम है कि मतलब थोड़ी सेफ्टी और बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
पर आगे ऐसा ना हो उसके लिए हमें सेफ्टी बढ़ानी। जो हड़ताल हो रही है, आप ये चेंजेस जो बार बार डिमांड होते हैं, ये चेंजेस फाइनली सेटल हो पाए? अगर कोशिश करेंगे तो सेटल हो पाएंगे, और ये घटना बहुत ही निंदनीय है, उस जो डॉक्टर के साथ हुआ है बहुत ही निंदनीय है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तो सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए, कैमरा सीसीटीवी लगने चाहिए और हमें सेफ रूम मिलना चाहिए, सेफ्टी मिलनी। आप भी काफी सीरियस हैं, आप क्या मान रही है, पूरी स्थितियां हैं इस पूरे देश में, जो डिमांड है ये ओवरऑल एक कॉमन डिमांड है, आप क्या क्या मानती, क्या क्या होना चाहिए? एक तो सीसीटीवी कैमराज तो होने ही चाहिए हर जगह, जो कि चलते हों, ऐसा नहीं है कि उनकी रिकॉर्डिंग हमें बाद में अवेलेबल ना हो, और साथ में पुलिस सिक्योरिटी ये जरूर है, और टाइमली अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो टाइमली एफआईआर की जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। सर, डॉक्टर के साथ साथ मेडिकल स्टाफ भी होता है जिसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मरीजों को सही वक्त पर इलाज दे पाए, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। आप लोग भी मानते हैं कि स्टाफ के लिए भी चैलेंजेस हैं? काफी चैलेंजेस हैं नाइट ड्यूटी, स्पेशली नाइट ड्यूटीज में, क्योंकि सिक्योरिटी कहीं पर लूप होल होता ही है ना, सिक्योरिटी इतनी हमें मिलती नहीं है जितनी हमें मिलनी चाहिए, प्लस इतने पेशेंट्स के अटेंडेंट ऐसे ही आ जाते हैं अंदर विदाउट एनी सिक्योरिटी ना, तो हमारी काफी उसमें हम लोग बहुत काफी डर सा महसूस करते हैं। ये घटना कोलकाता जैसी घटना दोबारा ना हो और ऐसे दोबारा हड़ताल पर डॉक्टर्स को ना आना पड़े, आपको लगता है कि गवर्नमेंट को एक फाइनल स्टेप इस पे लेना चाहिए? सर, एक्चुअली में ये है कि जो कल्प्रिट्स हैं वो बहुत जल्दी अरेस्ट होने चाहिए, एंड दे शुड बी गिवन अ स्ट्रिक्ट, जिसे कहते हैं ना आप, एक सजा मिलनी चाहिए, सो दैट इट शुड नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट अस, इट्स नॉट ओनली व्हाट हैज हैपेंड लास्ट, अभी जो हुआ है उस स्टूडेंट के साथ, इट इज इन फ्यूचर इट शुड नॉट बी रिपीटेड, दिस टाइप ऑफ क्राइम शुड नॉट बी रिपीटेड, सो अ स्ट्रिक्ट एक्शन अ गवर्नमेंट हैज टू टेक, एंड कोशिश ये होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि उसको जो कल्प्रेट्स हैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट सजा मिले, तो ताकि लोगों को इन फ्यूचर सबक रहे कि ये चीजें नहीं होगी, अगर ये चीजें दोबारा रिपीट होती तो ऐसा भी आपको सजा मिल सकती। आप मैम सीनियर नर्सिंग ऑफिशियल है, आप क्या मानती हैं कि क्या जो पूरा मामला इस वक्त है, आप लोगों को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती? बिल्कुल करनी पड़ती है, जहां भी है नाइट ड्यूटी वगैरह में हमारे लिए भी सुरक्षा की, नाइट ड्यूटी हो डे ड्यूटी हो कभी भी ऐसा हो सकता है, कभी भी कोई व्यक्ति अग्रेसिव हो जाते हैं और वो अपना बिहेव चेंज कर लेते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, हर जगह सुरक्षा की जरूरत तो है, होनी ही चाहिए। कोलकाता वाली घटना के बाद पूरे देश में एक मिला जुला रुख है डॉक्टर्स का कि उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनके सुरक्षा के पूरे इंतजाम होने चाहिए, डॉक्टर्स सॉफ्ट टारगेट नहीं होने चाहिए, और कोलकाता वाली घटना में इंसाफ भी होगा और इसके बाद गवर्नमेंट इसको लेकर कुछ ठोस कदम भी उठाएगी, इस बात की उम्मीद डॉक्टर्स को है। कैमरा संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून।